हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी सीरीज की कंटिन्यूटी में आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूं और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल रही। देखिए, आप भी जानते हैं कि हम यहाँ पर जो टॉपिक का डिस्कशन करते हैं उसको हम डिटेल में करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। So today we will discuss about the process states. In the last lecture we have discussed what is process and what are the different attributes of the process. तो आज हम करेंगे process state क्या होती है और different type की states के बारे में detail में discussion करेंगे, तो please इसको ध्यान से देखना। हाँ तो students, यहाँ पर there are the five states of the process. हमारे पास यहाँ पर एक किसी भी process की five states होती हैं। Number one, new state, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट एंड वेटिंग स्टेट। ये वाली वेटिंग स्टेट, और इसको हम ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं, ये अभी आप नोट कर लेना, वेट स्टेट और ब्लॉक स्टेट। और लास्ट वन है हमारे पास टर्मिनेट स्टेट। तो कई बार तो एग्जाम में बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ एनी प्रोसेस, तो देन यू विल से फाइव स्टेट। देखिए, कई बुक्स आपको फोर भी शो करेंगी, कई सिक्स भी शो करती है, लेकिन जो ओरिजिनली है हमारी फाइव स्टेट्स ही होती है। अब हम हर एक स्टेट का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्या होती है? ए प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन और प्रोसेस इज बींग क्रिएट। जब भी किसी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है तो वो न्यू स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडी स्टेट। वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। रेडी के अंदर एक क्यू बनता है जिसको हम रेडी क्यू बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रोसेसेस को स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है न्यू वे, तो डायरेक्ट वो कहाँ पर आता है? रेडी में आता है। रेडी में हमारे पास हम एक प्रोसेस को वहां से सेलेक्ट करेंगे और उसको डिस्पैच करेंगे नेक्स्ट स्टेट में, और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? हमारी रनिंग स्टेट होगी, ठीक है। अब रनिंग स्टेट में हम क्या करेंगे? प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे और ये सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर रनिंग स्टेट में किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास सीपीयू बाउंड प्रोसेस, एक होता है आपके पास इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें कंप्यूटेशन का वर्क ज्यादा होता है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट बाउंड वो प्रोसेस होते हैं जिनमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जब किसी प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना होता है तो वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? वो अपनी नेक्स्ट स्टेट में चला जाता है, जिसको हम वेट स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन का काम होता है वो तो आपके सीपीयू के एंड पर हो जाता है, बट इन एनी केस इफ एनी प्रोसेस रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देन योर प्रोसेस विल मूव इन टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज वेट स्टेट। अब वेट स्टेट में क्या होता है? जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोसेस को करना होता है वो उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वापस वो कहाँ पर आ जाता है? वापस वो रेडी स्टेट पर आ जाता है, ठीक है। और अगर आपका रनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो फाइनल स्टेट है टर्मिनेट, वहां से टर्मिनेट हो जाता है। तो ये बच्चों डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट और वेट और ब्लॉक स्टेट, फाइन। अब न्यू स्टेट के बारे में बताया कि जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है, ठीक है, और प्रोसेस को जो क्रिएट होने के बाद वो कहाँ पर एंटर करता है? रेडी क्यू के अंदर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है हमारा कंटेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एक प्रोसेस को रेडी क्यू से हमारा जो कंटेक्स्ट स्विच प्रोसेस है वो सेलेक्ट करेगा और डिस्पैच करेगा रनिंग में, ठीक है। रनिंग में उसको जो भी आपका एग्जीक्यूशन का काम होता है वो करता है। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमने बताया था आपको कि आपके पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं,
टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, एक होता है सीपीयू बाउंड एंड सेकेंड इनपुट आउटपुट बाउंड। जो सीपीयू बाउंड होता है उसमें आपका कंप्यूटेशन का वर्क ज्यादा होता है और वो रनिंग स्टेट पर ही सारा कंप्यूटेशन का वर्क परफॉर्म होता है। बट इन एनी केस अगर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट होती है तो आप देख रहे होंगे कि इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट के लिए आपका प्रोसेस कहाँ चला जाता है, वेट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सीपीयू वर्क कर रहा है और सीपीयू को हम आइडल नहीं कर सकते जब तक कि उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट ना हो। तो इन बिटवीन क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस थे रेडी में, तो कोई और प्रोसेस असाइन हो जाएगा जब तक रनिंग स्टेट में, ठीक है, और तो कोई दूसरी प्रोसेस को आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो थी वो वेट स्टेट में गया आपका प्रोसेस और उसका जो काम कंप्लीट हो गया इनपुट आउटपुट का, तो वापस से वो कहाँ आ जाएगा, रेडी में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक एरो यहाँ पर है कि रनिंग से रेडी के अंदर भी आ रहा है एक प्रोसेस जिसमें हम टाइम क्वांटम। अब टाइम क्वांटम क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे जिसमें से हमने टाइम शेयरिंग भी पढ़ा था, वो यहाँ पर टाइम क्वांटम का मतलब भाई ये टाइम शेयरिंग है। हर एक प्रोसेस को हम यहाँ पर टाइम असाइन करते हैं, जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या है, दोबारा से वो रेडी में चला जाएगा, ठीक है, और नया प्रोसेस डिस्पैच हो जाएगा आपके रनिंग में, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई प्रोसेस रेडी में कब कब आता है। एक तो आपका प्रोसेस आता है न्यू से रेडी में, दूसरा रनिंग से भी रेडी में आ सकता है वापस, और वेट से भी रेडी में आ सकता है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन के लिए आपसे रनिंग और वेट स्टेट दे दी जाती है, जबकि दोनों ही स्टेट से आप देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है वापस रेडी क्यू में आएगा, ठीक है। तो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड का कि कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाता है रेडी से रनिंग स्टेट में जाने के लिए कि कौन इसको डिस्पैच करता है, डिस्पैचर होता है हमारा, ठीक है। जहाँ पर इसमें हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है उस वो डिस्पैचर का काम करता है, वो रेडी क्यू से डिस्पैच करेगा रनिंग में, ठीक है। रनिंग में क्या हो जाएगा, उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या काम होता है। तो यू विल से रेडी टू रनिंग में मूव करने का काम जो होता है प्रोसेसेस का, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। जल्दी मैं एक दूसरा लेक्चर भी वीडियो लेक्चर डालने वाली हूँ जिसमें हम शेड्यूलर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखियो बच्चों, या तो क्वेश्चन आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, पीसीबी के अंदर, ठीक है, कि आपका कैसे प्रोसेस कंटेक्स्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि रेडी से रनिंग में जाता है, इसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है। और फिर रनिंग से वापस आपका वेट में आ रहा है और वेट से वापस आपका रनिंग में जा रहा है। तो एक तो क्वेश्चन आता है कॉन्टेक्स्ट स्विच के ऊपर, व्हेन वन प्रोसेस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेडी में कब कब आता है आपका प्रोसेस, आप बोलेंगे न्यू स्टेट से डायरेक्ट रेडी में आता है। रनिंग से आता है, रनिंग से क्यों आता है, जैसे ही कोई प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो जाता है तो वो वापस रनिंग रेडी स्टेट पर आ जाता है। और वेटिंग स्टेट से भी आपका प्रोसेस रेडी में आता है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं जहां जहां आपका प्रोसेस दोबारा से रेडी में आता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब आपका प्रोसेस रेडी में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रेडी में है या रनिंग स्टेट पर है या वेट और ब्लॉक, इन तीनों स्टेट्स में जो हमारा प्रोसेस होता है वो मेन मेमोरी के अंदर रिजाइड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेडी, रनिंग और वेट स्टेट के अंदर हमारा प्रोग्राम कहाँ होता है, आप बोलेंगे मेन मेमोरी के अंदर ही होता है ये सब, ठीक है। आपको ऑप्शन होगा बैकिंग स्टोर का भी, लेकिन बैकिंग स्टोर में यहाँ पर नहीं होता। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बैकिंग स्टोर पर आपका प्रोग्राम कब जाता है। तो फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट रिमेम्बर व्हेन योर प्रोसेस इज इन रेडी, इन रनिंग और वेट, इन ऑल थ्री स्टेट्स योर प्रोसेस मस्ट बी इन मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर।
उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के भी, और MCQs हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। एक वीडियो लेक्चर और बनेगा, उसके बाद कुछ हम नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, लाइक हो सकता है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही MCQs का साथ के साथ डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो जैसा भी होगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगी। तब तक जितने मैं वीडियो लेक्चर बना रहा, प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, जितना हम इनके बीच में क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं उनको बहुत ध्यान से करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक